मुंह में डालते ही दाना दाना लगे स्वादिष्ट, सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा। नमस्ते, प्रतिभा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटकी की उसल। अंकुरित मटकी खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मटकी की उसल। यहाँ पे मैंने ली है अंकुरित मटकी, इसे मोड भी कहते हैं। मैंने ये कटोरी भर के मटकी ली थी। मटकी को 6-7 घंटे के लिए भिगोकर रखा था। 7 घंटे के बाद इसे पानी निकालकर कपड़े से 6 घंटे के लिए बांधकर ढककर रखा था। 6 घंटे के बाद निकालकर धो लिया है। ये देखिए कितने अच्छे अंकुर आए हैं। मटकी की उसल बनाने के लिए लिया है 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर, करी लीव्स, हरा धनिया, अदरक लहसुन, तेल, जीरा, इसमें ही राई ली है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और हींग लिया है। मटकी की उसल कुकर में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में डाला है 1.5 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद सबसे पहले डालेंगे हींग, जीरा राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच राई डाली है, प्याज डालेंगे, हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को चलाते हैं। अदरक लहसुन डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, टमाटर डालेंगे, करी लीव्स से स्वाद बहुत अच्छा आता है। टमाटर को अच्छा पकने देना है। टमाटर अच्छा पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर। स्वादानुसार डालेंगे नमक, थोड़ा डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया को मिला देंगे। मसालों को अच्छे से पकने के लिए डालेंगे थोड़ा पानी। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे अंकुरित मटकी, थोड़ी मटकी अभी डालेंगे, बाकी की मटकी बाद में डालेंगे। मटकी को अच्छे से मिला देते हैं।
बची हुई मटकी भी डाल देंगे। मटकी को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें पकने के लिए 1 कप पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, सीटी लगा देंगे। कुकर की 1 सीटी होने देना है। कुकर की 1 सीटी हो चुकी है। कुकर ठंडा हो चुका है। देखते हैं, मटकी अच्छी पक चुकी है। देखिए, पानी भी बिल्कुल बराबर हुआ है, बिल्कुल दाना दाना अलग हो रहा है। कलर बहुत अच्छा आया है। अब मटकी को प्लेट में निकालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 प्लेट ली है। चारों में भी मटकी डालेंगे। मटकी के ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। थोड़ी डालेंगे सेव। थोड़ा डालेंगे हरा धनिया। इसके साथ नींबू बहुत अच्छा लगता है, नींबू भी रख देते हैं। ऐसी बढ़िया प्लेट दिखेगी तो किसका मन नहीं होगा खाने के लिए। अब हम गर्मा गर्म उसल के ऊपर नींबू निचोड़ देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। यह अंकुरित मटकी बनती भी 5 मिनट में है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।